अब बात मध्य प्रदेश में मंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड की करेंगे। चुनावी साल है लिहाजा सबसे अहम विकास को लेकर सवाल है। 2018 में विकास को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या फिर अब भी अधूरे रह गए हैं, ये जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जनता के बीच पहुंचकर हकीकत को खंगाल रही है। और इसी कड़ी में आज पड़ताल रायसेन की सांची विधानसभा सीट की, जहां से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हैं विधायक। बेतवा नदी के किनारे बसा सांची रायसेन जिले की वो विधानसभा सीट जो खुद में बौद्ध स्मारकों का एक इतिहास समेटे। सांची वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले चार चुनावों में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस जीत का परचम लहराती आई, लेकिन 2020 के उपचुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी लगातार दूसरी बार विधायक बने। प्रभुराम चौधरी 27 साल की उम्र में पहली बार 1985 में विधायक बने। इसके बाद वो कांग्रेस संगठन में कई अहम पदों पर रहे। 2008 में प्रभुराम चौधरी ने दूसरी बार सांची से जीत दर्ज की, लेकिन 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर बाजी पलटी और तीसरी बार विधानसभा के लिए चुने गए। कमलनाथ सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। सिंधिया समर्थक के तौर पर पहचान रखने वाले प्रभुराम चौधरी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में प्रभुराम चौधरी ने 64,000 से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत हासिल कर जीत का झंडा बुलंद किया, जिसका इनाम उन्हें शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप कर दिया गया। एमपी की सियासत के दिग्गज के रूप में जाने जाने वाले प्रभुराम चौधरी क्या अपने क्षेत्र में अपनी शख्सियत के मुताबिक काम कर पाए, ये जानने के लिए जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मैदान में उतरी तो हालात बदतर मिले। सांची में बेरोजगारी प्रमुख समस्या है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जिला मुख्यालय में कोई उद्योग नहीं है। एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी कॉलेज और आईटीआई खुलवाने की बातें खूब हुई, लेकिन नतीजा आज तक सिफर रहा। स्वास्थ्य मंत्री की सीट होने के बावजूद सांची में जिला और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी लगातार बनी हुई है, जिस कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह सड़कों की हालत खराब है। जिला मुख्यालय पर ही ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके चलते थोड़ी बारिश में ही शहर की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। बिजली की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, विकास के जो वादे किए थे उनमें से तो अगर देखा जाए तो एक आध भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो विकास के वादे नहीं किए थे उनमें जरूर विकास हुआ है, जैसे बेरोजगारी। अभी मुझे कुछ भी नहीं दिखे अभी तो काज कर रहा। अच्छा, सड़क वगैरह? अरे साहब, ऐसे काम हुए, रोड भी बना है तो गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। वो कुछ भी नहीं है, ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, ना कोई रोजगार है। ग्रेजुएशन के बाद जितने भी छात्र हम देखते हैं वो बेरोजगारी रहे। उधर सांची से विधायक और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के मुताबिक उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल बिछा दिया है। प्रभुराम चौधरी का दावा है कि उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए हैं और कुछ पाइपलाइन में है। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने नागरिकों से कहा था, लगभग पूरे काम हो गए हैं और बहुत सारे काम अभी पाइपलाइन में हैं। अब मंत्री के दावों में कितना दम है ये तो जनता के वोट ही बताएंगे, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल में सांची को अब भी इस विकास का इंतजार है जिसका वो हकदार है। राजकिशोर सोनी, जी मीडिया, रायसेन।